वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में काम जोरों शोरों से चल रहा है, और इस समय की अगर हम बात करते हैं तो तमाम अधिकारी इसका मुआयना कर रहे हैं कि किस तरीके का काम चल रहा है। और हमारे साथ DFC के MD अनुराग सचानिया खुद साथ में हैं, आइए उन्हें से बात करते हैं। सर, इस समय अगर हम काम के प्रोग्रेस की बात करें, क्या हुआ है अभी तक? हम लोग अभी आज इंस्पेक्शन कर रहे हैं, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का सेक्शन है रेवाड़ी से मदार तक, जो 306 किलोमीटर लंबा सेक्शन है। और आज रेलवे बोर्ड की टीम आई हुई है, हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आए हैं, मिस्टर माथुर, मिसेज मुंशी। और इस इंस्पेक्शन में हम लोग यही देख रहे हैं कि हमारी क्या प्रिपेयरनेस है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कि सारा का सारा काम, चाहे वो ट्रैक लिंकिंग का काम हो या सिग्नलिंग का काम हो या इलेक्ट्रिकल का काम हो, तो सारा का सारा काम 306 किलोमीटर में रेवाड़ी से मदार तक कंप्लीट हो चुका है, बोथ डबल लाइन का। और हम लोगों ने ट्रायल ट्रेन का रन भी शुरू कर दिया है इस सेक्शन में। तो इसमें ये फ़ायदा हो रहा है कि जो गाड़ियाँ पहले इंडियन रेलवे में यहाँ पे एक रेवाड़ी रिंगस फुलेरा सिंगल लाइन सेक्शन है, तो उसमें गुड्स ट्रेन चला करती थी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। तो अब कुछ ट्रेन हम लोगों ने ट्रायल के रूप में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में उन ट्रेन को शिफ्ट कर दिया है, और वो ट्रेन का मूवमेंट बहुत फास्ट हो गया है। तो एक तो ये फ़ायदा हुआ है 306 किलोमीटर के रूट पर। सर, अगर हम इस रूट की बात करें, अगला स्टेप क्या है? 306 तो पूरा हो गया, अगला कौन सा स्टेशन है जो कनेक्ट होने जा रहा है, कब कनेक्ट होने जा रहा है? वेस्टर्न कॉरिडोर में हम लोगों ने प्लान किया हुआ है कि हम लोग रेवाड़ी से पालनपुर तक 650 किलोमीटर का सेक्शन है, जिसमें 300 किलोमीटर ऑलरेडी हो चुका है, और 350 किलोमीटर और जो आगे है मदार से पालनपुर तक, उसका काम करीब करीब 90% कंप्लीट हो चुका है और फाइनल स्टेज में है। हम लोगों ने प्लान किया कि 31 मार्च तक हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पालनपुर से एक इंजन का ट्रायल कर लें, और उसके साथ ही 2-3 महीनों में हम इसको काम को कंप्लीट करके वहां से भी रेगुलर ट्रेन चलाना शुरू करेंगे। तो वेस्टर्न कॉरिडोर में रेवाड़ी से पालनपुर 650 किलोमीटर सेक्शन जो हमारा, अगले 2-3 महीनों में हम लोग गाड़ियाँ चलाने का प्लान कर रहे हैं। सर, पालनपुर जुड़ने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? पालनपुर जुड़ यानी आसपास के बंदरगाह पास में है, क्या इससे फ़र्क क्या पड़ेगा बहुत बड़ा? जैसे ही रेवाड़ी से पालनपुर कनेक्ट होगा, पालनपुर जितने भी हमारे देश के वेस्टर्न पार्ट में मेजर पोर्ट्स हैं, मुंद्रा पोर्ट है, पिपावा पोर्ट है, कांडला पोर्ट है, ये सारे के सारे पोर्ट पालनपुर से थ्रू फीडर रूट इंडियन रेलवे के DFCC से कनेक्ट हो जाएंगे। और इससे एडवांटेज ये होगा कि जितना भी फ्रेट माल आता है इन पोर्ट्स में, उसका जो टूवर्ड्स दिल्ली की तरफ जो मूवमेंट होता है बहुत फास्ट हो जाएगा वो मूवमेंट। तो सर, ये तो बात हो गई वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की। अगर हम ईस्टर्न की बात करें, तो खुर्जा भदान के बीच में एक सेक्शन पूरा हो गया, लेकिन उसके आगे क्या स्थिति है और कब तक वो चालू होगा? ईस्टर्न कॉरिडोर में जैसा आपने कहा कि खुर्जा से भदान 192 किलोमीटर का सेक्शन है, उस पर हम लोग ऑलरेडी गाड़ियाँ चला रहे हैं, 1000 गाड़ियाँ ट्रायल के तौर पर हम लोग चला चुके हैं। और उसके आगे हमारा काम जो है अप टू कानपुर, भावपुर स्टेशन उसको बोलते हैं, जो कि 350 किलोमीटर का सेक्शन है फ्रॉम खुर्जा से। अगर देखें खुर्जा से भावपुर 350 किलोमीटर है, हमारा सेक्शन करीब करीब तैयार हो गया है। हम लोगों ने एक ट्रायल ट्रेन भी चला दी है, और हमें पूरी उम्मीद है कि 31 मार्च तक हम लोग जो थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम बाकी है सिग्नलिंग का, वो कंप्लीट कर लेंगे और खुर्जा से लेके भावपुर तक हम लोग गाड़ियाँ चलाना शुरू कर देंगे। सर, इस ट्रैक पर जब आ रहे थे तो यहाँ पर एक खाटू श्याम जी का मेला चल रहा है, जिसके चक्कर में लोग ट्रैक पे ही चल रहे हैं। तो यानी ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, अभी हाई स्पीड ट्रेनें चलनी शुरू नहीं हुई हैं, लोग ट्रैक पर चल रहे हैं, तो कहीं अवेयरनेस के लिए कुछ आप लोग कर रहे हैं? हम लोग जब भी ट्रेन का ट्रायल रन वगैरह शुरू करते हैं, तो लोकल मीडिया के थ्रू और जितने भी माध्यम होते हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उससे सारे लोकल लोगों को एक वार्निंग देते हैं कि यहाँ पर ट्रेन चलनी शुरू हो रही है, तो सावधान रहें। और साथ ही जब ट्रेन चलती है तो साथ में कुछ एक गार्ड्स भी रखते हैं हम लोग इस तरह का। तो जैसा आपने देखा कि ये खटू श्याम का मेला चल रहा है, तो इसमें सावधानी रखने के तौर पर हम इसमें 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं, बट इस मेले को ध्यान में रखते हुए कि कोई दुर्घटना ना हो जाए, तो इसके लिए हम लोगों ने स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है, गाड़ियों को हम स्लो स्पीड में चलाते हैं। और आपने देखा होगा कि इंजन चलता है लोकोमोटिव, तो पूरे टाइम विसिल करता रहता है, तो हम लोग प्रिकॉशन रखते हैं कि कोई किसी घटना ना हो जाए।
सर एक आखिरी सवाल, अगर डीएफसी की बात करें तो डीएफसी से उम्मीदें बहुत हैं, लोग लग रहा है ढेर सारे रोजगार जनरेट होंगे, तो कब जो है बहुत बड़ी भर्ती खुलने जा रही हो? क्योंकि तमाम लोग पूछते हैं कि वहाँ जो है जब इतना काम चल रहा है तो लोगों को रोजगार भी मिलेंगे, तो कब जो है लोगों की उम्मीद जो है पूरी होगी? देखिए, जहाँ तक डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का सवाल है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये इंडियन रेलवे से थोड़ा अलग ढंग का ऑर्गेनाइजेशन होगा। इसमें भले ही हमारे पास बहुत बड़ा ट्रैक स्ट्रक्चर होगा जो दिल्ली से मुंबई और दिल्ली से लुधियाना से सोनगर तक जोड़ेगा, करीब 6500 किलोमीटर का नेटवर्क होगा हमारा, बट इसमें हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, क्योंकि वी के नॉट अफोर्ड टू हैव अ वेरी बहुत ज़्यादा हैवी ऑर्गेनाइजेशन नहीं करना हम लोग चाहेंगे, क्योंकि वो उससे फाइनेंशियल वायबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। तो हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे और सिर्फ एक टेक्निकल तरह का स्टाफ जो है रखेंगे। इनफैक्ट एक फिगर मैं बता सकता हूँ आपको कि हमारे टोटल कंप्लीट हो जाने के बाद में हमारा टोटल स्टाफ स्ट्रेंथ 9000 होगी, अभी हमारी करीब 2500 है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगले 2-3 सालों में करीब 7000 लोग हम लोग एम्प्लॉय करेंगे, बट दे विल ऑल बी वेरी टेक्निकल काइंड ऑफ स्टाफ। शशांक साहब, न्यूज़ स्टेशन से बातचीत के लिए धन्यवाद। कुछ और कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट तो बहुत लिमिटेड होगा, बिकॉज वी विल लाइक टू हैव अ वेरी लीन ऑर्गेनाइजेशन, बट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि एक तो इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट ही 81,000 करोड़ है, इतना बड़ा नेटवर्क बन रहा है, इसके साथ में बहुत सारा बिजनेस डेवलपमेंट होगा, बहुत सारे बिजनेस भी डेवलप होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए भी मैन पावर चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, तो इनडायरेक्ट मैन पावर बहुत सारा जनरेट होगा इस प्रोजेक्ट से। तो इनडायरेक्ट जॉब कितने क्रिएट होंगे, कोई एस्टिमेट है आप लोगों का? एक अंदाज से मैं बता सकता हूँ कि जो बिजनेस डेवलपमेंट के हमारे प्रपोजल्स हैं, हमारे पास करीब 15,000 करोड़ के प्रपोजल आए हुए हैं, तो नेचुरली जो 15,000 करोड़ का जब डेवलपमेंट होगा तो उसके हिसाब से उतना एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। शशांक साहब, न्यूज़ स्टेशन से बातचीत के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अगर हम डीएफसी की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, क्योंकि डीएफसी का फ़ायदा सबको मिलने जा रहा है, क्योंकि ये ट्रैक बनेगा, साथ ही साथ इससे ढेर सारा माल जो है इधर से उधर ले जाया जाएगा, और माल भाड़ा भी कम होगा। माल भाड़ा कम होने का मतलब सीधा सीधा हुआ कि कंज्यूमर को फ़ायदा होगा, तो कंज्यूमर को फ़ायदा होगा मतलब हर एक आदमी को कहीं ना कहीं से फ़ायदा मिलने जा रहा है। कैमरामैन शुभम के साथ सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन, डीएफसी।